भारत देश के सभी भाइयों तथा बहनों आप सभी को सबसे पहले 16 मई 2022 बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं तथा बधाइयाँ व्यक्त करता हूं आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे निरोगी रहे और आप सभी सुखी रहे सभी को अपनी इच्छाओं के अनुसार हर चीज हर वस्तुएँ और सुख आनंद प्राप्त हो ऐसी बधाइया ऐसी शुभकामनाएँ आप सभी के लिए मैं व्यक्त करता हूँ आज बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती समूचे विश्व में जहाँ जहाँ भी बुद्ध को चाहने वाले लोग हैं वे सभी आज बुद्ध का यानी जन्म जो है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति है और बुद्ध का महापरिनिर्वाण है इस प्रकार की जिसे त्रिगुणी पावन बुद्ध पूर्णिमा कही जाती है वह बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो यूरोप के लंदन है जर्मनी है फ्रांस है या इधर पूरब के देश जो है कोरिया है जापान है श्रीलंका है आ, ऐसे भारत है ऐसे सभी विश्व में पूरे विश्व में बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है इस प्रकार से बुद्ध यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव जाति के कल्याणदाता मानव जाति के मुक्तिदाता महापुरुष के रूप में बुद्ध की जयंती बुद्ध के चाहने वाले लोग जो है आज समूचे विश्व में मना रहे हैं तो भाई और बहनों चलिए आज के इस पावन दिन पर कुछ धम्म की बातें जो है बुद्ध की बातें जो है वो हम संगोष्ठी के रूप में जानने का प्रयास करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं तो पूर्णिमा का मतलब होता है जैसे चंद्रमा होता है धीरे धीरे करके पूर्णिमा के दिन पूर्णत्व को प्राप्त करता है सपोचा या पूरा यानी जिसे हम लोग गोल कहेंगे वस वही गोलाकार स्थिति प्राप्त होती है चंद्रमा की तो उसे कहा जाता है पूर्णत्व प्राप्त करना इस प्रकार से यानी पूर्णिमा का मतलब बताया जाता है पूर्णत्व जिसे बुद्ध की भाषा में पारमिता भी कहा जाता है पारमिता का मतलब यानी परिपूर्णता जैसे हम सभी लोग सामान्य मानव के रूप में जन्म लेते हैं लेकिन हम सभी जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं सभी मानवों के भीतर में बुद्ध का बीज है अगर हम सभी लोग प्रयास करते हैं तो उस बुद्ध बीज को अंकुरित किया जा सकता है और उसका यानी वृक्ष बनाया जा सकता है वृक्ष का मतलब यानी सामान्य यानी मानव से असामान्य यानी प्रबुद्ध मानव बनना इस प्रकार से यानी बुद्ध जयंती को मनाने का मतलब हम लोग ले सकते हैं अब जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं और पूजा में हर समय हम लोग बुद्धंग शरणंगी कहते हैं अब इस बुद्ध शरणंग अच्छा का जो मतलब बताया गया है मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ मैं बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ इस प्रकार से उसका मतलब बताया गया है और अगर देखते हैं तो यदि बुद्ध का शिष्य होना बुद्ध का अनुयायी होना इसका मतलब यानी बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उर्वेला में जहां आज जिस जगह को बोधगया के रूप में जाना जाता है प्राचीन समय में वह उर्वेला प्रदेश के नाम से जाना जाता था वहां वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की बुद्धत्व को प्राप्त किया और यानी सभी मानव जाति के कल्याण हेतु फिर समूचे बिहार और उत्तर प्रदेश में जगह जगह जग जाकर उन्होंने धम्म की देशना की और संपूर्ण मानव जाति को आप भी मेरे जैसे बुद्ध बन सकते हो आप भी मेरे जैसे मानवीय गुणों का विकास कर सकते हो इसका संदेश उन्होंने उस समय 2566 साल पहले पैदल घूमकर पूरे भारत में और आज समूचे विश्व में उन्होंने उसका प्रचार और प्रसार किया और उसी के खातिर आज संपूर्ण विश्व में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है जैसे कि मतलब हम कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं तो फिर मैं बुद्ध का शिष्य होने के नाते बुद्ध का अनुयायी होने के नाते यानी अनुसरण करना इसका मतलब ये होता है कि मेरे गुरु के यानी पद चिन्हों पर मैं चलने का प्रयास करूँगा अब बुद्ध की ओर देखते हैं तो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया आनापान सती का ध्यान किया मैत्री भावना का ध्यान किया और उसके सिवा जो काफी गहरे ध्यान साधना ये होती है जैसे कि विपश्यना जिसे कहा जाता है इंटेंस मेडिटेशन प्रैक्टिस करके जिसके जाना जाता है तो उस प्रकार की गहरी ध्यान साधना ये करना और यानी रूप ध्यान अरूप ध्यान और फिर श्रोतापन्न बनना सक्रुदागामी अनागामी और अरहंत होते हुए बुद्ध के जैसे ज्ञान को प्राप्त करना इस प्रकार से उसका यानी मतलब होता है जैसे मैं अगर मान लो अपने आप को कहता हूँ कि मैं बुद्ध का अनुयायी हो मैं बुद्ध का शिष्य हूं तो फिर बुद्ध ने जिस प्रकार से यानी कृति की उनके जीवन में उसी प्रकार से मैंने भी वह कृति करना चाहिए बुद्ध ने आनापान सती का ध्यान किया तो मैंने भी आनापान सती का ध्यान करना चाहिए बुद्ध ने शीलों का आचरण किया तो मैंने भी शीलों का आचरण करना चाहिए तभी तो जाकर मैं बुद्ध का अनुयायी बन सकता हूं या बुद्ध का शिष्य यानी कहलाने के लिए अपने आप को यानी पात्र कर सकता हूं अगर मैं मान लो बुद्ध के जैसे ध्यान भी नहीं करता बुद्ध के जैसे शीलों का आचरण भी नहीं करता तो मैं किस प्रकार से अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कह सकता हूं मुझे तो लगता है कि मान लो गुरु ने जो बताया वो अगर हम नहीं करते हैं उन्होंने बताई हुई शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते हैं अनुयायी वही होगा शिष्य वही होगा जो बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पर और बुद्ध ने बताए हुए शील और ध्यान को आचरण में लाने का प्रयास करता है अभी जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं और पूजा में बार बार कहते हैं भगवा अरहं, सम्मा संबुद्धो। इस प्रकार से हम लोग बार बार कहते रहते हैं कोई भी हमारे मतलब यानी सांसारिक जीवन में हमारे घर में कोई भी प्रसंग आता है मान लो किसी का जन्मदिन आता है मान लो शादी ब्याह का मतलब समय आता है मान लो किसी का मृत्यु हो जाता है इस प्रकार से कोई भी संस्कार जो है वो हम लोग जब करते हैं तो हम लोग त्रिरत्न वंदना का पठन करते हैं त्रिरत्न वंदना में हम लोग कहते हैं इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो इस प्रकार से हम लोग बार बार कहते रहते हैं लेकिन हम उसका मतलब यानी जानते हैं और जान कर करते हैं तो यानी सही अर्थों में हम पूजा कर रहे हैं ऐसा हो सकता है मान लो कि हम इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो इस प्रकार से बुद्ध की वंदना जो है यानी तोते के जैसी अगर करते हैं तो फिर हम बुद्ध के अनुयायी नहीं हुए ये कर्मकांड मतलब हो जाता है बन जाता है तो हमें काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है काफ़ी जागरूक रहने की ज़रूरत है और बुद्ध की पूजा करते समय ध्यान करते समय सांसारिक जीवन में आचरण करते समय हमने जागृति के साथ में बुद्ध की शिक्षा के ऊपर धम्म मार्ग जैसे कि जिसे कहा गया है सुपटिपन्नो उजुपटीपन्नो न्यायपटीपन्नो पटिपन्नो सामीची पटिपन्नो चत्तारी अठपुरी सपुगला इस प्रकार से यह सन्मार्ग है यह उचित मार्ग है यह न्याय का मार्ग है तो इस मार्ग पर चलने वाले यानी आचरण करने वाले वही बुद्ध के अनुयायी होते हैं वहीं बुद्ध के शिष्य होते हैं इसमें इस वंदना में जो यानी शब्द प्रयोग किए जाते हैं इति पिसो इस प्रकार से भगवा यानी कि भग और वान ऐसे दो यानी उसमें शब्द प्रयोग जुड़ के भगवान यह शब्द हुआ है तो वान का मतलब होता है सभी प्रकार की यानी तृष्णा सभी प्रकार का लालच सभी प्रकार का लोभ और भग का मतलब होता है उसे तोड़ देना उसे जड़ से उखाड़ फेंकना जड़ से काट देना ऐसा व्यक्ति ऐसा पुरुष जिसने सभी प्रकार की तृष्णाओं को नष्ट कर दिया है जड़ से उखाड़ दिया है काट दिया है तृष्णा को नष्ट कर दिया है ऐसे व्यक्ति को इस शब्द से नवाजा जाता है उसे विभूषित किया जाता है यह शब्दों के अलंकार है जिससे उसे यानी विभूषित किया जाता है उसके बाद का शब्द प्रयोग आता है इतिपिसो भगवा अरहंग अरहंग का मतलब होता है अरहंत यानी जिसने जो जिसे कहेंगे हम आश्रव यानी आसक्ति सभी प्रकार की आसक्ति जिसने तोड़ दिया है यानी वह उस व्यक्ति को अरहंत कहा जाता है बुद्ध कहते हैं आप सभी मेरे जैसे अरहंत बन सकते हो मेरे जैसे आश्रव की मतलब नष्ट करके यानी मुक्ति पा सकते हो सभी प्रकार की आसक्तियां उसमें प्रमुख तीन प्रकार की यानी आसक्तियां या आश्रव कहे जाते हैं जैसे कि पहला जो है कामाश्रव तो कामाश्रव में यानी काम का मतलब होता है आश्रव यानी आसक्ति आसव पाली में उसे आसव कहा जाता है और संस्कृत में उसे आश्रव कहा जाता है तो कामाश्रव काम आसव कामा तो काम का मतलब होता है कि ये सांसारिक जीवन ये जो भौतिक दुनिया है ये भौतिक दुनिया को कामाश्रव के नाम से आसक्ति के नाम से जाना जाता है जैसे कि यानी हम लोग इस भौतिक दुनिया में यानी हर दिन यानी व्यवहार करते हैं घर में रहते हैं पैसा बनाते हैं तो पैसा खूब ज्यादा पैसा कमाना चाहिए ऐसे आसक्ति होती है एक मकान बना लिया तो दो मकान तीन मकान बनाना चाहिए ऐसे आसक्ति होती है कपड़ा यानी कितना भी कपड़ा ले लो दुकान में चले जाओ तो फिर से नया कपड़ा लेने की इच्छा निर्माण हो जाती है रोज खाना खाते हैं फिर भी यानी अन्न की जो एक तृष्णा होती है चाहत होती है लालच होती है तो उससे हम गुजरते रहते हैं इस प्रकार से इस व्यवहारिक संसारिक जीवन की सभी प्रकार की यानी आसक्तियाँ सभी प्रकार का लालच जहाँ हमारा सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता तो इस आसक्ति के बाहर निकलना इस आसक्ति के ऊपर उठना इस प्रकार से बुद्ध यहाँ मार्गदर्शन करते हैं कामाश्रव के बारे में बताते हैं उसके बाद शब्द प्रयोग आता है भवाश्रव तो भव इस शब्द का मतलब होता है यानी बार बार यानी इच्छा पैदा होना जन्म लेना है ना भव का मतलब मतलब होता है बार बार यानी नया यहने इच्छा पैदा होना जन्म लेना अभी जैसे कि हम लोग जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं अभी हम लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं फिर भी मान लो गुलाब जामुन देख लिए तो फिर से गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो जाती है कई मर्तबा हमने खा चुके हैं इसके बावजूद भी हमारी इच्छा कुछ खत्म नहीं होती है फिर से इच्छा का निर्माण होना फिर से इच्छा का उत्पन्न होना इस प्रकार हमारे पास में बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन फिर भी दुकान में चले गए तो इच्छा पैदा हो जाती है नहीं ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगेगा नहीं ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से यानी नई नई इच्छाएं बार बार पैदा होना और उसी में आता है जन्म की भी यानी इच्छा निर्माण होना हम मरना ही नहीं चाहते हम यानी ऐसे ही बने रहना चाहते हैं इसलिए मृत्यु से यानी डर लगता है तो भवाश्रव का मतलब भव का मतलब बार बार इच्छाओं का निर्माण होना और उस इच्छा के लिए हम लोग उस इच्छा की संतुष्टि के लिए इच्छाओं की समाधान के लिए हम लोग जीवन जीते रहते हैं व्यवहारिक जीवन में डूबे रहते हैं तो इस आसक्ति से बाहर निकलना इस प्रकार की बार बार जो इच्छाएं होती है उसमें से ऊपर उठना उस आसक्ति के बाहर निकलना इसे कहा जाता है भावाश्रव और फिर तीसरी बात आती है अविद्याश्रव अविद्या का मतलब होता है यानी सभी प्रकार का अज्ञान अविद्या का मतलब होता है यानी सभी प्रकार का अज्ञान अविद्या उसे कहा जाता है तो जैसे कि मतलब तथागत गौतम बुद्ध ने हमें बताया है कि यह विश्व इस विश्व में यानी ऐसा कोई भी जिसे हम लोग कहते हैं ईश्वर ईश्वर नाम की कोई भी संकल्पना नहीं है हर चीज अनित्यता और अनात्मता इन दो तत्वों के अनुसार मतलब हर चीज चलते रहती है इस विश्व का संचालन इस विश्व का इस सृष्टि का नियमन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं हम अज्ञान के कारण नहीं देख पाते हैं लेकिन हम यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रज्ञा के लिए प्रयास करते हैं हम पढ़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं हम चिकित्सक बन जाते हैं तो क्या होगा हम लोग तथागत गौतम बुद्ध ने पढ़ाए हुए अनात्मता और अनित्यता इन दो तत्वों को हम समझ सकते हैं अनित्यता का मतलब होता है परिवर्तन हर चीज परिवर्तनशील है क्षण क्षण में परिवर्तन चल रहा है और जैसे कि अब देख लो आप यानी जब छोटी बेबी निर्माण हो जाती है जन्म लेती है उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है एक साल की हो जाती है फिर वो अगर यानि बच्चा है चलने लगता है है ना एक साल का डेढ़ साल का दो साल का फिर पाँच साल का वो युवा होता है और युवा होने के बाद में फिर वह बूढ़ापे की ओर जाता है यानी कि परिवर्तन परिवर्तन से यानी छुटकारा नहीं है हर वस्तुओं में परिवर्तन चलते रहता है इस विश्व में चाहे यानी पत्थर हो नदी हो नाले हो सूर्य हो चंद्रमा हो हम सभी मनुष्य हो प्राणी हो हर यानी विश्व में जिसने जिसने भी जन्म लिया है वह बदलाव के कारण अनित्यता के सिद्धांत के कारण परिवर्तनशील होता है वह परिवर्तन पाता है और परिवर्तन के अनुसार आगे आगे बढ़ते जाता है और एक समय ऐसा आता है वो नष्ट होता है उसका मृत्यु होता है हर चीज जो जन्म लेती है वो मृत्यु की दिशा में चलती है परिवर्तन के सिद्धांत के कारण तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारे अज्ञान की वजह से अविद्या की वजह से हम परिवर्तन के सिद्धांत को समझ नहीं पाते और हम मानसिक गुलामी का जीवन जीते हैं इस भारत देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में हम देखते हैं कि याने करोड़ों की आबादी ऐसे है कि जो ईश्वर आत्मा और कर्मकांड इन विषयों में डूबे रहते हैं लेकिन जो बुद्ध को चाहता है बुद्ध को समझने लगता है वह अनित्यता के सिद्धांत का अभ्यास जब करता है तो उसका मन परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार अपने आप को बुद्ध के जैसे अच्छे गुणों वाला इंसान बनाने के लिए अरहंत अपने आप को बनने के लिए विकास करता है और अविद्या से बाहर निकलने का प्रयास करता है अविद्या श्रव यानी मानसिक गुलामी से बाहर निकलना सभी प्रकार के अज्ञान से बाहर निकलना बुद्ध के जैसी प्रज्ञा प्राप्त करना इसे कहा गया है अविद्याश्रव और दूसरा सिद्धांत है जिसे कहा गया है अनात्मता अनात्मता का मतलब होता है है हर चीज़ इस विश्व में जो निर्माण हुई है, वह कंपाउंडेड है अपने आप में कोई भी वस्तु इस विश्व में अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है उसे अनात्मता कहा जाता है इसलिए बुद्ध को चाहने वाले या धम्म को समझने वाले लोग वह क्या करते हैं अपना मनुष्य जीवन यानी प्राणियों के जैसा जीने में बर्बाद नहीं करते व्यर्थ नहीं गवाते जो व्यक्ति अनित्यता और अनात्मता को समझना आ, समझने के लिए प्रयास करता है वह उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता वह समझ जाता है कि जैसे कि यानी बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही सुंदर रठ्ठपाल का उदाहरण आता है रठ्ठपाल बुद्ध का शिष्य होता है और रट्ठपाल कहता है कि मुझे सबसे पहले इस बात का पता चला बुद्ध की देशना से मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई वह पहली बात जो है इस विश्व का पालन करता कोई नहीं है इस विश्व का रक्षण करता कोई नहीं है इसलिए यानी ब्रह्मा ईश्वर इस नाम की कोई संकल्पना नहीं है तो जब बुद्ध के संपर्क में कोई भी आता है और बुद्ध को जानने लगता है तो वह मनुष्य करके अपने स्वयं का विकास करने की कोशिश करता है और अविद्या श्रव यानी अज्ञान से बाहर निकलना अविद्या से बाहर निकलना प्रज्ञा को प्राप्त करना इस प्रकार से उसका मतलब होता है अविद्याश्रव का इसलिए जब हम बुद्ध पूर्णिमा यानी मनाने का प्रयास करते हैं तो जैसे कि अरहंत इति पिसो भगवा अरहंग अरहंत बनना यानी कामाश्रव भावाश्रव और अविद्याश्रव इन तीन प्रकार की मानसिक यानी आसक्तियों से बाहर निकलना और बुद्ध के जैसे अपने आप को यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना और अरहंत बनने के लिए यानी अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा के साथ कार्यरत हो जाना तब जाके हम यानी इति पिसो भगवा अरहं के अनुसार बुद्ध ने बताई देशना के अनुसार आचरण कर रहे ऐसा अपने जीवन को अर्थ प्रदान कर सकते हैं और उसके पश्चात फिर शब्द प्रयोग आता है समा संबुद्धो यानी सम्मा संबुद्धों का मतलब होता है सम्यक संबुद्ध यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अंधेरे में से अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा यह जो धम्म जो है खोज के निकाला आज जो धम्म हमारे पास में है वह तथागत गौतम बुद्ध से आया हुआ है इसलिए बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है क्योंकि उनके पास कोई भी यानी ज्ञान देने के लिए नहीं था उन्होंने स्वयं इसकी खोज की और खोज करके संपूर्ण मानव जाति के विकास हेतु यह धम्म देशना की इसलिए उन्हें सम्यक संबुद्ध कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे से यानी प्रकाश की ओर मनुष्य जाति को ले जाने के लिए अरहंत और याने आसक्ति से ऊपर उठने के लिए मदद करने के लिए धम्म को खोज निकालता है ऐसे महापुरुष को ऐसे व्यक्ति को सम्मा संबुद्ध कहा जाता है तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा जो है वैशाख पूर्णिमा जो है तो वैशाख के दिन बुद्ध का जन्म हुआ यानी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर मैं अगर मान लो भाइयों तथा बहनों आपको सवाल पूछता हूं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है तो उसका जवाब ये होना चाहिए बुद्ध का जन्म उर्वेला में आज के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर वहाँ मेडिटेशन के द्वारा ध्यान साधना के द्वारा विपश्यना ध्यान साधना के द्वारा यानी बुद्ध का जन्म हुआ है वहाँ से बुद्ध पैदा हुए है लुम्बिनी में जिनका जन्म हुआ वह सिद्धार्थ थे महामाया और शुद्धोधन इन दोनों के यानी माता पिता करके दोनों से यानी जो जन्म प्राप्ति हुई है महामाया की कोख से जो बालक पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया यानी वह लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ एक प्राणी मात्र के रूप में लेकिन बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ तो जवाब उसका इस प्रकार से है कि बुद्ध का जन्म यह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना के भीतर से हुआ ऐसा हम लोग कह सकते हैं उसके पश्चात महापरिनिर्वाण भी बुद्ध का जो हुआ वो इसी पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने अपना शरीर संपूर्णता छोड़ दिया और उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्ति की तो इसलिए इस पूर्णिमा को यानी त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहा जाता है यानी बुद्ध का जन्म होना बुद्ध को सम्यक संबुद्ध करके ज्ञान प्राप्ति होना और बुद्ध का महापरिनिर्वाण होना इस प्रकार से यह त्रिगुणी पावन पूर्णिमा करके समूचे विश्व में मनाई जाती है उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी बात को दिया है तो वह है यानी अपने जीवन में शील का आचरण करना और तर्क शुद्धता के यानी अनुसार हर चीज को परख के देखना परख के देखना उन्होंने जब यानी बिहार में अलग अलग जगह बुद्ध पैदल घुमा करते थे ऐसे ही वो जो अलग अलग समूह के नाम हैं, जैसे बुद्ध स्वयं शाक्य समूह से आते हैं नाग समूह था कुरु समूह था कालाम समूह था वज्जी समूह था ये अलग अलग यानी मानव समाज थे तो ऐसे ही बुद्ध जब कालाम समाज के भीतर में जाते हैं तो कालाम यानी लोग यानी बुद्ध को पूछते हैं कि भाई यानी कैसे कि बहुत सारे साधु आते हैं संत आते हैं संन्यास लिए हुए बहुत सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं तो हर कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है लेकिन हमने बुद्ध की ही शिक्षा है यह कैसे समझना ये बुद्ध के ही वचन है ये कैसे समझना ऐसा सवाल कालाम लोग उसे पूछते हैं तो फिर तथागत बुद्ध जो है बहुत ही आसान और सरल उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि चाहे कोई भी आपको देशना करे तो वह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो देशना जो है आपने क्या करना है परखना है अपनी बुद्धि से परखना है जैसे सोनार सोने को परखता है सोना खरा है कि नहीं चौबीस कैरेट का है कि नहीं ऐसा सोनार सोने को परखता है उसी तरह से बुद्ध काला मोसे कहते हैं कि मेरी शिक्षा को मेरे वचनों को आप भी तर्क के द्वारा परखने का प्रयास करें और परखने के पश्चात अगर आपको लगता है कि उससे आपका लाभ होता है आपको सुख और समाधान और शांति प्राप्ति होती है तो उसको आप अपनाइए उसको आप बुद्ध के वचन समझिए बुद्ध की देशना समझिए और जो बातें आपको हानिकारक लगती है आप में नशा पैदा करती है मानसिक नशा पैदा करती है आपका मानव कल्याण हेतु आपको नुकसान पहुंचाती है ऐसी बातें बुद्ध की देशना नहीं हो सकती है बुद्ध के वचन नहीं हो सकते हैं इस प्रकार से बहुत ही आसान बहुत ही सरल कालामों को यानी बुद्ध जवाब देते हैं तो भाइयों तथा बहनों इसी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बुद्ध ने जोर दिया है तर्क शुद्धता पर तर्क के द्वारा यानी वचनों को परखना बार बार परीक्षण करना और फिर उसे अपने विकास हेतु मानव करके अपने स्वयं के विकास हेतु उसको अपनाना इस प्रकार से यानी तर्क शुद्धता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो परम पूज्य बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी तर्क के आधार पर पुरानी बातों का खंडन किया और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि मतलब पुराने ग्रंथों में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ ने बूढ़ा आदमी देखा सिद्धार्थ ने बीमार आदमी देखा और सिद्धार्थ ने मृत यानी मरा हुआ आदमी देखा तो वह बहुत ही यानी निराश हो गया और यानी उसने फिर त्याग किया चौथी बात उन्होंने सन्यासी को देखा और सन्यासी को देखकर वे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि मैंने यानी सत्य की खोज करना चाहिए और उस लिए उन्होंने त्याग किया ऐसा यानी ग्रंथों में लिखा गया है ग्रंथों में बताया जाता है लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं तर्क के द्वारा बुद्ध ने बताए हुए तर्क शुद्धता के आधार पर यानी वचनों को हमने परखना चाहिए और जो सही है उसका स्वीकार करना चाहिए तो बाबा साहब हम सभी के यानी गुरु हैं बाबा साहब हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने उस प्रकार से यानी तर्क देकर इस बात को रखने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि यानी जो रोहिणी नदी का पानी जो है उसके ऊपर से शाक्य और कोलीय ये दो समाज जो थे उनके भीतर में संघर्ष हुआ और संघर्ष होकर उसमें यानी निर्णय जो मंत्रिमंडल था शाक्यों का तो शाक्यों के मंत्रिमंडल ने निर्णय यानी पास किया और उस निर्णय के खिलाफ सिद्धार्थ उस समय गए सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि दोनों समाज जो है शाक्य और कोलिया आपस में लड़े आपस में यानी तलवार लेकर भाले बिछवे यानी लेकर लड़े और एक दूसरे का कत्लेआम करे उसमें किसी का फायदा नहीं होगा हिंसा कभी भी यानी हमारे फायदे की यानी बात नहीं है हिंसा से मानव जाति का हर समय नुकसान ही हुआ है इसलिए मंत्रिमंडल का निर्णय था कि हमने लड़ाई करना चाहिए और लड़ाई में जो भी जीतेगा उसका उस पानी के ऊपर रोहिणी नदी के पानी के ऊपर कब्जा होगा इस प्रकार का निर्णय यानी शक्य मंत्रिमंडल में पास हो जाता है और सिद्धार्थ उसके खिलाफ जाता है उसे वह पसंद नहीं आता है तो दो प्रकार के फिर रास्ते बच जाते हैं एक रास्ता होता है जो मंत्रिमंडल के निर्णय के खिलाफ जाता है तो उसे यानी देह दंड देना और दूसरा रास्ता होता है कि यानी घर छोड़कर यानी निकल जाना देश छोड़कर निकल जाना तो भाइयों तथा बहनों इस यानी मंत्रिमंडल के दो दिए हुए पर्याय के अनुसार सिद्धार्थ इस बात को अपनाता है कि देश छोड़कर चला जाना और इस प्रकार से महाभी निष्क्रमण जिसे कहा जाता है सिद्धार्थ यानी वह प्रांत वह देश छोड़कर निकल जाता है तो सबसे पहले क्या करता है यानी सिद्धार्थ क्या कहता है वहाँ ग्रंथों में बताया गया है कि भारद्वाज नाम का आश्रम होता है भारद्वाज भारद्वाज के आश्रम में जाता है आजू बाजू में सारी यानी सिद्धार्थ के माता पिता है मंत्रिमंडल के लोग है सिद्धार्थ के दोस्त है वो सारे भारद्वाज आश्रम के इर्द गिर्द सारे यानी खड़े रहते हैं सबके आंखों में आंसू होते हैं महा ये शुद्धोधन के भी आंखों में आंसू होते हैं महाप्रजापति गौतमी के आंखों में आंसू होते हैं और सिद्धार्थ अपने तलवार से अपने बाल काट देता है Uh, समूचे यानी राजकुमार करके वस्त्रों को निकाल देता है और सन्यास के यानी वस्त्र धारण करता है वैराग्य के वस्त्र धारण करता है और सभी के सामने मतलब आप देखिए वह जो यानी जिसे महाभी निष्क्रमण कहा जाता है उसमें सूक्ष्मता से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई गई है उसमें आप देखेंगे सबसे पहले सिद्धार्थ यानी अपने आसक्ति जो है जो अभी मैंने बताया कामाश्रव भावाश्रव और अविद्याश्रव वही बात सूक्ष्मता से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें जबरदस्त आसक्ति किस बात की होती है तो हमारे रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति होती है हम कहीं भी चले जाते हैं दो चार पाँच दिन के लिए दस दिन के लिए कहीं भी निकल जाते हैं तो हमारे मकान से हमें हमारे घर से हमें आसक्ति होती है जल्दी से जल्दी मैं कैसे घर पहुंचता हूं? इसके लिए यानी जो यानी गाड़ी मिलेगी बस मिलेगी फ्लाइट मिलेगी हम लोग घर पहुंचने का प्रयास करते हैं और यहाँ महाभिनिष्क्रमण में क्या हो रहा है अपने सारे रिश्तेदारों के साम सिद्धार्थ यानी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उनका त्याग करते हुए यानी सत्य प्राप्ति के लिए सच्चाई ढूंढने के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं तो इस आसक्ति में से बाहर निकलना ऐसा उसका मतलब होता है महाभिनिष्क्रमण यह जो यानी वर्णन किया गया है उसका मतलब यह होता है कि रिश्तेदारों की आसक्ति में से बाहर निकलना दूसरी सूक्ष्मता से बात हम लोग देख सकते हैं वह ये कि यह यानि कपिल वस्तु जो है तो कपिल वस्तु के बाहर में यह यानी भारद्वाज का आश्रम होता है तो जिस यानी भूमि पर जिस जमीन पर सिद्धार्थ बड़ा हो गया अपने दोस्तों के साथ में अलग अलग प्रकार के खेल खेले है ना यानि राजकुमार करके उन्होंने जो भी परंपराओं के अनुसार तलवार सीखना जो भी और अन्य कलाएं होती थी उसको यानी सीखना ये सारे बातें जो दोस्तों के साथ में उस ज़मीन पर की तो ये ज़मीन से भी हमें बहुत ही बड़ा यानि लगाव होता है आसक्ति होती है हमारा प्रांत हमारी ज़मीन हमारा मकान इस प्रकार से इन सारी चीजों से बहुत जबरदस्त आसक्ति होती है तो यहाँ महाभिनिश्रमण का यह यानी जो वर्णन जो किया गया है ग्रंथों में यह हमें संदेश देता है यह मैसेज देता है कि जमीन की आसक्ति से प्रांत की आसक्ति से बाहर निकलना इस प्रकार से हम इसका मतलब यानी ले सकते हैं अभी जैसे कि देखते हैं उसके साथ साथ हम देखते हैं जबरदस्त आसक्ति किस बात की होती है तो हमारी संपत्ति है ना हमारी संपत्ति की भी बहुत जबरदस्त आसक्ति होती है तो सबसे पहला यानी सिद्धार्थ जो है वह कपिल वस्तु में भारद्वाज आश्रम में सबके सामने अपने माता पिताओं को रोता हुआ बिलकता हुआ छोड़कर जब जाता है तो मानसिक रूप से वह विजय प्राप्त करता है अपने रिश्तेदारों की आसक्ति पर विजय प्राप्त करता है अपने जमीन की आसक्ति पर विजय प्राप्त करता है अपने प्रांत की आसक्ति पर विजय प्राप्त करता है और ऊपर से देखते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ यह जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखते हैं तो क्षत्रिय वर्ण से आता है तो अपनी जाति अपना वर्ण भी जो आसक्ति है उसके बाहर सिद्धार्थ निकल जाता है और सच्चाई की खोज में सत्य प्राप्ति की खोज में निकल जाता है इसलिए हमें यह यानी मैसेज क्या है तो हम भी बुद्ध के अनुयायी होने के नाते इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आसक्तियों में से बाहर निकलना भाइयों तथा बहनों अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर बड़ी कोई आसक्ति काम करती है तो वह है यानी संपत्ति और साथ में लैंगिक तृष्णा अन्न की तृष्णा यह सबसे बड़ी आसक्तियाँ हमें पीछे खींच के रखती है बुद्ध के जैसे बुद्ध की जयंती मनाना यानी बुद्ध के जैसे बनना बुद्ध बीच को अंकुरित करना और मानवीय गुणों का मैत्री करुणा मुदिता अधिष्ठान वीर्य, प्रज्ञा इन मानवीय गुणों का विकास करना और अरहंत बनना यानी यानी बुद्ध की जयंती सेलिब्रेट करना बुद्ध का जन्मदिन मनाना वैशाख पूर्णिमा को सही अर्थों में मनाना ऐसा उसका मतलब हो सकता है इस तरह से हमने यानि बुद्ध जयंती को देखना चाहिए और हमारे स्वयं का यानि मूल्यांकन करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जब कपिल वस्तु छोड़कर तथागत गौतम बुद्ध चले जाते हैं निकल जाते हैं सच्चाई की खोज में तो वह आलार कलाम के यानी प्रसिद्ध गुरु जो है उनके आश्रम में पहुंचते हैं उद्दक रामपुत्र उनके आश्रम में पहुंचते हैं और उनके जैसी सभी बातें सीख लेते हैं और ये दोनों गुरु उनको यानी अपना गुरुपद देना चाहते हैं गुरु के आसन पर बिठाना चाहते हैं लेकिन सिद्धार्थ उन्हें नकार देता है तो यहाँ विजय किस बात का हुआ याने हम लोग आसानी से कहीं भी हमें यानी बड़ा सम्मान मिलता है तो हम उसके शिकार हो जाते हैं हम उसके आसक्त हो जाते हैं यहाँ आलार कालाम और उदक रामपुत्र प्रसिद्ध गुरु जो है गुरु के स्थान का सम्मान सिद्धार्थ को देना चाहते हैं और सिद्धार्थ उसे नकार देता है इसका मतलब क्या होता है तो इस प्रकार की आसक्ति से बाहर निकलना क्योंकि अभी हम यानी सिद्धार्थ यह समझता है कुछ तो है जो मुझे प्राप्त हुआ नहीं है कुछ तो बचा है वह समाधान ही नहीं होता है इसलिए उस सम्मान को भी वह नकार देता है और वहां से चला जाता है उसके पश्चात हम देखते हैं कि राज अः राजगीर के पास में ही आ, नहीं उसके पहले बुद्ध गया के पास में ही जो एक डूंगेश्वरी पर्वत कहा जाता है वहाँ तथा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है वहाँ छः साल तक कठोर तपश्चर्या करते हैं एक यानी चावल का दाना खाकर जीवन जीने का प्रयास करते हैं जो प्रचलित परंपराएं जो होती है शरीर को यातनाएं देना शरीर को कष्ट देना जिससे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है ऐसी एक मतलब धारणा होती है तो सिद्धार्थ उसको भी अपनाता है और जब एक दिन वह निरंजना नदी के किनारे यानी बेहोश होके गिरता है और महिलाएं जो गांव की पड़ोस की महिलाएं जो पानी भरने के लिए आती है अपनी अपनी घगरिया लेकर तो वह गाना गाती है एक तारे पर और उस गाने से एक तारी से संदेश मिल जाता है सिद्धार्थ को और उसे प्रकाश मिल जाता है एक तारी का तार जो है मान लो ढीला होता है तो बेसुरा होगा सुर नहीं निकलेगा और बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं तो टूट जाएगा तो ना ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए इस तरह से मध्यम मार्ग की संकल्पना का प्रकाश जो है बुद्ध को प्राप्त सिद्धार्थ को प्राप्त हो जाता है और वहाँ से सिद्धार्थ उस कठोर तपश्चर्या को छोड़कर निरंजना नदी के उस पार जाके यानी हम सभी लोग जानते हैं कि सुजाता से खीर प्राप्त करता है खीर का प्राशन करता है और फिर से नई शक्ति के साथ में नए दृढ़ संकल्प के साथ में उर्वेला में बोधि वृक्ष के नीचे बैठता है यह बाबा साहब ने तर्क का जो तथागत गौतम बुद्ध ने हर चीज का परीक्षण करने के लिए कहा है उसी बात को बाबा साहब ने दोहराया है हमारी चर्चाएं जो है बहुत बार मैं देखता हूं शिविरों में लोग आते हैं और ये कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिद्धार्थ खीर खाकर वह जो पात्र है नदी में फेंक देता है और नदी में प्रवाह के उलट दिशा में वह पात्र जाता है यह कैसे हो सकता है यह विज्ञान के खिलाफ है यह हो ही नहीं सकता है इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं होती है लेकिन भाइयों तथा बहनों बाबा साहब बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताते हैं और दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यानी सिंबॉलिक बुद्धिज्म जो है सिंबोलिज्म कहा जाता है प्रतीकों के माध्यम से गहन अर्थों को समझना उसे सिंबॉलिक बुद्धिज्म कहा जाता है यहां बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखते हैं होप एंड डिटर्मिनेशन देखिए सिद्धार्थ ने छह साल कठोर तपश्चर्या की और उसे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वह निराश नहीं हुआ वह पीछे नहीं हटा उसके दिल में उसके मन में आशा की किरणें बाकी थी और उसी आशा की किरणों के द्वारा वह यह सोचता है कि जरूर कुछ तो भी है मुझे प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन ऐसा कुछ तो भी है जो बचा है मैंने उसके लिए प्रयास करना चाहिए आशा की किरणों के द्वारा होप बाबा साहब लिखते हैं याने होप इस आशा की किरणों के द्वारा सिद्धार्थ फिर से जगह ढूंढता है घूमते घूमते उर्वेला में आता है और बोधि वृक्ष के नीचे नए शक्ति के साथ नई आशाओं के साथ में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए यानी पूरी ताकत के साथ शक्ति के साथ बैठ जाता है डिटर्मिनेशन वहाँ सिद्धार्थ संकल्प करता है यहाँ इस बोधि वृक्ष के नीचे जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता जब तक अरहंत नहीं बन जाता, सच्चाई को समझ नहीं लेता इस विश्व के को समझ नहीं लेता तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा यहाँ से नहीं हटूंगा इस प्रकार का डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प लेकर यानि सिद्धार्थ वहां बोधि वृक्ष के नीचे उर्वेला में बैठता है और अंततः यानि कड़े प्रयासों द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह आज का ही वैशाख पूर्णिमा का दिन है इसलिए बाबा साहब क्या कहते हैं होप एंड डिटर्मिनेशन हमने कभी भी भाइयों तथा बहनों कितने भी संकट क्यों ना आ जाए कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना आ जाए हमने बाबा साहब के बताए अनुसार और बुद्ध ने बताए अनुसार होप एंड डिटर्मिनेशन इन दो शब्दों को याद करना चाहिए आशा की किरणें कभी नहीं छोड़नी चाहिए और दृढ़ संकल्प फिर से प्रयास करना इस प्रकार की मानसिकता से हम संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही हम कठिनाइयों को तोड़ते हैं उसके बाहर निकलते हैं और यही बुद्ध का संदेश है यही बाबा साहब का संदेश है इसलिए हमने इस प्रकार से यानी बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बुद्ध के जैसा बनने के लिए हमने प्रयास करने की आवश्यकता है वहां अंतिम यानी मैं उदाहरण देकर इस बात को समाप्त करना चाहूंगा तथागत गौतम बुद्ध का मैं फिर से यानी वह शब्द प्रयोग दोहराता हूँ तर्क शुद्धता तथागत ने बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया है और बाबा साहब ने तर्क शुद्धता के आधार पर बुद्ध धम्म को यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण Developing scientific temper, इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब ने संविधान में किया है इसलिए बाबा साहब कहते हैं अधर्म यानी क्या बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त किया और सबसे पहले उन्होंने यानी अनित और अनात्मता और दुख इन तीन लक्षणों के बारे में हमें बताने का प्रयास किया समझाने का प्रयास किया तो ये चीजें क्या है? ये तभी हम समझ सकते है हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं तर्क शुद्धता की दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि ईश्वर को नकारने के पीछे आत्मा इस विषय को नकारने के पीछे कर्मकांड इस विषय को नकारने के पीछे बुद्ध का क्या मकसद रहा है तो बाबा साहब बताते हैं तीन बातें हैं कि मनुष्य समाज को चिकित्सक बुद्धि का बनाना क्या कहते हैं बाबा साहब मनुष्य समाज को तर्क शुद्धता परीक्षण बार बार परीक्षण करना इस प्रकार से मनुष्य समाज को चिकित्सक बुद्धि का बनाना और दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि खोज करने की स्वतंत्रता बनी रहना चाहिए ना कि हम किसी ईश्वर और अन्य बातों के गुलाम बनना चाहिए अगर हम मानसिक गुलामी के अंतर्गत चले जाते हैं तो हम लोग खोज नहीं कर पाते हैं हमारा विकास रुक जाता है इसलिए खोज की स्वतंत्रता बनी रहना चाहिए इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इन विषयों को जड़ से काटने का प्रयास किया ईश्वर आत्मा और कर्मकांड को खत्म करने का प्रयास किया अवलंबित यानी रहना हमने ईश्वर को एक्सेप्ट कर लिया हमने आत्मा इस विषय को एक्सेप्ट कर लिया कर्मकांड इस विषय का स्वीकार कर लिया तो हम क्या हो जाते हैं डिपेंड हो जाते हैं अवलंबित्व का स्वीकार करते हैं और मनुष्य करके कभी भी हमारा विकास यानी नहीं हो सकता है भाइयों तथा बहनों इस भारत देश में हम देखते हैं इस तीन बातों को चिकित्सक बनना खोज की स्वतंत्रता बनी रहना और अवलंबित्व को खत्म करना इन तीन यानी मानसिक बातों के विकास हेतु इस भारत में दाबोड़ कर काम कर रहे थे कलबुर्गी काम कर रहे थे पानसरे काम कर रहे थे गौरी लंकेश काम कर रही थी तो क्या देखते हैं ये चारों को यानी नष्ट कर दिया गया है यानी कि गुरु यानी बनने की दिशा में भारत जो अग्रेसर होना चाहिए इस प्रकार की मानसिकता अगर बनी रहती है खोज की स्वतंत्रता बंद हो जाती है हम लोग चिकित्सक नहीं रहते हैं हम धर्म की परीक्षण नहीं करते हैं तो हम लोग आसानी से मानसिक गुलाम बन जाते हैं और मानव करके अपना विकास नहीं कर पाते हैं इसलिए आज भी भारत देश को और विश्व की यानी मानव समाज को किसी बात की जरूरत है तो वह है यानी चिकित्सक बुद्धि का विकास करना खोज की स्वतंत्रता की यानी बुद्धि का विकास करना और डिपेंडेंसी यानी अवलंबित्व को खत्म करना इसलिए बाबा साहब कहते हैं जैसे कि गाथा है बुद्ध और उनका धम्म इसमें सद्धर्म यानी क्या वहां पर बाबा साहब कहते हैं और बुद्ध धर्म का सार जो है उसमें कहा गया है सब पापस करणंग कुशल उपसंपदा संपदा सचित परियो एतंग बुद्धान शासनंग मैं किसी भी प्रकार का यानी अकुशल कर्म नहीं करूंगा मैं कुशल कर्म करूंगा और कुशल कर्म से मेरा मन मेरा चित्त जो है वह शुद्ध बनेगा यही भगवान बुद्ध के धम्म का सार है और इसी बातों को सद्धर्म यानी क्या इसमें बाबा साहब कहते हैं आम आदमी को पूजा प्रार्थना यानी सिखाने के बजाय देखो बाबा साहब कितना सुंदर बताते हैं आम आदमी को पूजा प्रार्थना सिखाने के बजाय उसके मन को सुसंस्कारित करना उसके मन को बदलना परिवर्तित करना यानी चित्त शुद्धि यही भगवान बुद्ध के धम्म का प्रथम और अंतिम मकसद है इस तरह से बाबा साहब सद्धर मैया ने क्या इसमें कहते हैं तो भाइयों तथा बहनों मैं आप सभी को फिर से आज इस वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और अपने मन के विकास हेतु अपने चित्त शुद्धि के विकास हेतु आपने अपना जीवन समर्पित करना चाहिए तभी वैशाख पूर्णिमा को आपने मनाया सेलिब्रेट किया ऐसा अपने जीवन को अर्थ प्राप्त हो सकता है ऐसा अर्थ प्रदान हो सकता है आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं यहीं ता हूं जय भीम नमो बुद्धाय